अब बात सत्ता में एक ऐसी खबर की जो देश के करोड़ों माता पिता की आंखें खोल देगी। ये एक ऐसी घंटी है जिसका सीधा कनेक्शन आपके बच्चों से है। दरअसल स्वीडन में सरकार ने बच्चों के स्क्रीन टाइम पर सभी माता पिता को एक सलाह दी है जिसमें हम सब सीख सकते हैं, और ये फॉर्मूला भारत में भी हर माता पिता को अपने बच्चों के साथ जरूर अपनाना चाहिए। स्वीडन में 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है। ये फैसला कुछ ऐसी रिसर्च के आधार पर लिया गया है जिसमें यह बताया गया था कि ज्यादा स्क्रीन के इस्तेमाल से बच्चों की सेहत पर खतरनाक असर हो रहा है। स्वीडन की सरकार के अनुसार 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ना तो मोबाइल और ना ही टीवी किसी भी तरह के स्क्रीन ना दिखाएं, जबकि 2 से 5 साल तक के बच्चे दिन में अधिकतम 1 घंटा स्क्रीन का इस्तेमाल करें और 6 से 12 साल तक के बच्चे सिर्फ दिन में 2 घंटे स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए आज हमने स्वीडन से आई इस खबर पर अपने सभी न्यूज मित्रों के लिए एक ऐसी कुंजी तैयार की है जिसमें चिंता वाले नोटिफिकेशन हैं। किस उम्र के बच्चों के लिए कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए, उन्हें क्या दिखाना चाहिए और किन चीजों से उन्हें दूर रखना चाहिए, आज हमने इन सवालों पर कुछ हेल्थ एक्सपर्ट से बात की है। उनके अनुसार 3 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, मतलब उन्हें मोबाइल और टीवी से पूरी तरह से दूर रखना चाहिए, जबकि स्वीडन में इस कैटेगरी में 2 साल तक के बच्चों को ही रखा गया है। इसके अलावा 6 साल की उम्र से पहले अपने बच्चों को इंटरनेट का इस्तेमाल ना करने दें, 9 साल की उम्र से पहले अपने बच्चों को वीडियो गेम ना खेलने दें, जबकि 12 साल की उम्र से पहले उन्हें सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी ना करने दें। यानी अगर आपका बच्चा 3 साल या उससे छोटा है तो उसे मोबाइल और टीवी से दूर रखें। लेकिन अमूमन क्या होता है, बच्चों को खाना खिलाने या फिर चुप कराने के लिए कई माता पिता उन्हें मोबाइल पर कार्टून दिखाते हैं या दूसरे वीडियोस दिखाते हैं, लेकिन ये आपके बच्चे के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। बच्चों के ज्यादा स्क्रीन टाइम से उन्हें मायोपिया जैसी बीमारी होने का खतरा है, लेकिन इससे आप बच्चों को बचा भी सकते हैं और इसके लिए जरूरत है स्क्रीन टाइम को मैनेज करने की। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक बच्चों का स्क्रीन टाइम 1 दिन में 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्क्रीन जितनी छोटी होगी आपके बच्चों की आंखों को उतनी ही ज्यादा दिक्कत हो सकती है, इसीलिए बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करने दें। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार इसके लिए माता पिता को अपने बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल का टाइम फिक्स करने की जरूरत है। साथ ही साथ मोबाइल या टीवी की जगह बच्चों को शारीरिक एक्टिविटी के लिए प्रेरित करना भी जरूरी है। वैसे आज हमने जब इस खबर पर रिसर्च की तो एक और चौंकाने वाला तथ्य हमें मिला। सच ये है कि भारत में बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों की जिंदगी भी स्मार्टफोन में कैद है। इसी वजह से भारत का औसत स्क्रीन टाइम हर साल बढ़ता जा रहा है। मोबाइल एनालिटिकल फर्म डेटा AI के अनुसार भारत में स्मार्टफोन का एवरेज स्क्रीन टाइम 2019 में करीब 3 घंटे 42 मिनट था। यानी एक शख्स पूरे दिन में कम से कम 3 घंटे 42 मिनट मोबाइल देखते हुए गुजार रहा था, लेकिन 2020 में बढ़कर 4 घंटे 30 मिनट हो गया और साल 2021 में 4 घंटे 42 मिनट पर पहुंच गया। लेकिन दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये औसत स्क्रीन टाइम और भी ज्यादा है। वैसे आपको ये भी बता दें कि स्क्रीन टाइम के मामले में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर आता है, जबकि उससे पहले ब्राजील, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया हैं और फिर इसके बाद मेक्सिको का नंबर है। अब नजरिया 9 भी जान लीजिए। इस पर क्या है नजरिया 9? मौजूदा दौर सोशल मीडिया और रील्स का है। ये एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें कोई एक कदम रखता है तो उसकी गहराई में खोता चला जाता है, और यही हाल रहा तो लोग ऐसे ही मोबाइल की लत से डूबते हुए और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब देश में मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की जरूरत पड़ जाएगी या फिर डिजिटल उपवास रखने वाला दौर भी आ जाएगा।